ज्वालामुखी में उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति के निर्देशानुसार कर्फ्यू में ढील व अन्य दुकानें खोली गई। क्षेत्र में वाइन शॉप, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद रहे, जबकि कई जरूरत की दुकानें खुली रही और MHA की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ये छूट दी गई। ज्वालामुखी में नो मास्क नो एंट्री की शुरुआत भी हो चुकी है। SDM ज्वालामुखी ने इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जो भी दुकान पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता पाया जाता है तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा। इसके लिए व्यापार मंडल से भी बात की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना मास्क वालों को सामान न दिया जाए। इसके अलावा अब मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई बिना मास्क के निकलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और बिना वजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनकी अनुपालना भी की जाएगी। कल आदेश MHA के भी हुआ और इस साल से आदेश करे हैं, उनके अनुसार जो भी रेस्टोरेंट है या जो ईटिंग पॉइंट्स हैं और जो सैलून्स हैं उनके अलावा बाकी हर तरह की जो दुकानें हैं वो उनको खोलने की छूट है। केवल कंडीशन ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म है उसका उसकी पालना करें और साथ में मास्क यूज़ करें। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे के सारे लोग जो हैं वो समझदारी दिखाएं और उनके ऊपर कुछ थोपा जाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो खुद जो भी उनको अनुपालन करें। जैसे कि दो मेन चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना, और वो 100% कंप्लायंस होनी चाहिए। अभी हम व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं बात करूँगा और उनको भी यही हिदायतें दी जाएंगी कि जो भी उनके पास कस्टमर आता है अगर कोई बिना मास्क के आ रहा है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं कर रहा है तो उसको सामान ना दिया जाए और उसके साथ सख्ती से निपटा जाए और हमें भी उसके बारे में सूचित किया जाए और जो हमें ध्यान में आएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बाकी आज अक्षय तृतीया है,